हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सर्कल द कंपोजिट नंबर। हमें इनमें देखना कि कौन से हमारा कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले हम समझ लेंगे कंपोजिट नंबर हमारा होता क्या है। कंपोजिट नंबर की जब हम बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर से एक अपोजिट होता है प्राइम नंबर का। ठीक है, द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर। भाई क्या बोला, द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज़्यादा, मोर देन टू फैक्टर, जिसके क्या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जिन नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हम फोर की बात करेंगे, फोर किसके से डिवाइड होगा, वन से होगा, टू से होगा, फोर। बस दो से ज़्यादा, वन टू, दो से ज़्यादा फैक्टर है, थ्री फैक्टर है, बस दो से ज़्यादा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। सिक्स किस किस से डिवाइड होगा, वन से होगा, टू से होगा, थ्री से होगा, सिक्स से होगा, बस दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ऐसे हमारा एट, वन से होता है, टू से होता है, फोर से होता है, और किस से होता है, एट से होता है। बस दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, कितने, वन टू थ्री फोर है, दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे अगर हम देखेंगे नाइन, वन से होता है, थ्री से होता है, और नाइन से होता है, भाई दो से ज़्यादा फैक्टर है, तीन फैक्टर है, तो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ऐसे हमारे ट्वेल्व है, वन से होगा, टू से होगा, थ्री से होगा, फोर से होगा, सिक्स से होगा, और ट्वेल्व से, तो ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर दो नंबर से ज़्यादा की टेबल में आता है। जैसे फोर वन की टेबल में आता है, टू क्या आता है, फोर क्या, दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। ओके, अब हमें देखना भाई, वन वन के तो भाई एक ही फैक्टर होता, इलेवन इलेवन के अगर हम देखेंगे तो इलेवन के कितने फैक्टर होते हैं, भाई इलेवन के दो फैक्टर होते हैं, वन और इलेवन, ये किसी और के टेबल में आता है, ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया। ट्वेंटी वन के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ट्वेंटी वन हम देखेंगे तो वन के टेबल में आता, थ्री के टेबल में आता, सेवन के टेबल में आता, ट्वेंटी वन के, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया एक। थर्टी वन किसी के टेबल में नहीं आता, फोर्टी वन किसी के टेबल में आता, 51 बहुत सारे टेबल में आता, तो ये हमारे क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 81 भी हमारा क्या हो गया, हो जाएगा कंपोजिट नंबर, हो जाएगा कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ओके।